जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है, गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये 6 फुट 2 इंच कद का लड़का है मुबीन, बॉडी बिल्डिंग करता है, जबकि ये हमारी छोटी सी नन्ही सी बल्कि इंतहाई छोटी ना होने के बराबर मुख्तसर सी हमारी बहन है माहीन, और इनका कद है 4 फिट 11 इंच। क्वीन मैरी कॉलेज से इन्होंने BSc साइकोलॉजी की है। ये हमारे भाई फटू निकम्मे, इन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन की है और उसमें भी इनकी थर्ड डिवीजन है, लेकिन काम इन्होंने फर्स्ट क्लास किया है। इनकी दोस्ती फेसबुक पर हुई, वहां से मोहब्बत में बदली और उसके बाद इनका निकाह हो गया है। इतने लंबे हैं, आपने इनसे शादी क्यों की? लंबे पसंद है आपको लड़के? कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतने लंबे लड़के से शादी होगी, लेकिन लंबे से होगी, लेकिन इतने लंबे से होगी ये नहीं पता था। आपको तो ठंड भी ज्यादा लगती होगी। छोटी लड़कियों को सूरज दूर पड़ता ना? नहीं, मुझे सूरज बल्कि नजदीक पड़ता है, ये आगे आगे खड़े हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। आपको छोटी लड़की पसंद थी, इनको तो लंबे पसंद थे। हाँ, वो कहते हैं कि मुसीबत जितनी छोटी उतनी अच्छी है। आप इनको मुसीबत कंसीडर करते हैं? आप तो इनको मार भी नहीं सकती। नहीं, मैं पिटाई करती हूं। ऐसा हो आपने इनको मारने के लिए यूं किया और इनकी धुनी पे मुंह लगाओ आप। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी चीज ये थी, ये मुझे मासूम लगते हैं। कहां से? लड़के तो मासूम होते ही नहीं, बस ये नेचर से हैं थोड़े मासूम, लेकिन ये है कि थोड़े शरारती चालाक भी। आप माशाल्लाह इतने लंबे हैं तो आपके तो पांव भी हवाओं में रहते होंगे। हाँ जी, मैं यूएसए होना पड़ता है, यूएसए होना पड़ता है। ऐसे कब होना पड़ता है आपको? जब मैं तस्वीरें खिंचवाती हूँ और जब हील पहनी होती है तो कहते हैं हील भी पहनी हुई नहीं लग रही है तो तुम ऐसे हो जाओ, फिर मैं हील के साथ भी ऐसे हो के तस्वीरें। जब लड़कियाँ ग्रुप में फोटो लेती है तो कैमरा मैन को कह रही होती है भाई आपने तो मेरी ली नहीं, मेरी साइड से लें, हमारे ग्रुप में लें, वो यूँ क्यों कहती है? वो हर एंगल से लेना चाहती है ना, कि किसी एंगल से भी अच्छी आ जाए। आमतौर पर हमने ये देखा है कि जो छोटी हाइट की लड़कियां होती हैं इनको मुआशरे में इग्नोर कर दिया जाता है। ये आपने उन लोगों को भी एक अच्छा पैगाम दिया है कि वो शादी कर सकते हैं इस तरह से। छोटी हाइट बड़ी हाइट सा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इंसान अच्छा है तो शादी करो। और बड़ी छोटी हाइट के लड़का लड़की शादी कर ले तो ऐसा लगता है डेट बच गया, स्कूल से जाके किसी को ले भी आए, क्यों नहीं ऐसा लगता है कि नहीं? नहीं लगता, अगर मुझे तो देखने से बिल्कुल लगता है 6 बजे। माशाल्लाह इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो ये तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग करते होंगे, बड़े बड़े डंबल उठाते हैं जिम में जाकर, तो कभी इन्होंने आपको उठा के वेट लिफ्टिंग की है? हाँ जी की है, एक दो दफा मुझे उठा के। फिर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, जैसे हवाओं में आ गए। पैर जमीन पे नहीं लग रहे थे? नहीं, मेरे पैर ना जमीन उत्ते लग दे, पैर ना जमीन उत्ते लग दे, पांव जमीन पर लगने चाहिए वैसे। ये तो है, लेकिन अब मेरे लगते ही नहीं है ना, मैं हवाओं में उड़ रही हूं। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 8 बहन भाई हैं। अंकल क्या करते हैं? यही करते हैं। बच्चे कितने एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं बताएं? ऐसे कोई प्लान नहीं किया अभी तक। फिर भी होता है ना कि 3 बच्चे 4 बच्चे। बच्चे ज्यादा अच्छे होने चाहिए, बीच में ही 2 अच्छे निकलते हैं। बाकी बगैरत निकल आते हैं। आप लंबे लड़के से शादी करने के कोई से 2 फायदे बताएं? जाले शाले साफ करा सकते हैं, घर की सफाई होती है। दूसरा ये है कि उंगली पकड़ के साथ साथ घुमाई जाओ। क्या पकड़ के? उंगली पकड़ी। उंगली पकड़ के। आप एक टाइम में कितना सीरियल खा लेती हैं? मैं वैसे खाती हूँ, ऑनेस्टली मैं सीरियस ही बता रही हूँ, मैं सीरियल खा लेती हूँ दूध आम डाल के। तो जनाब हमने तंजो मजा से भरपूर गुफ्तगू इनकी मर्जी से की है जी, आपकी मर्जी से की है जी, बिल्कुल। आपको मजा आया इस गुफ्तगू का? बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे, फुल मजे आ रहे हैं। कोई गाना डेडिकेट कर दे इनको। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। वाह 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 वाह, किस्मत की लकीर की बड़ी वैल्यू है इंसान को। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बहुत वैल्यू है किस्मत की। एक दफा ना मैं ऊपर से नीचे जमीन पर गिरा तो मेरी किस्मत की लकीर में इतनी पेन हुई मैं आपको बता नहीं सकता। आप भी कोई डेडिकेट कर दे किस्मत की लकीर। नहीं, गाना जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। तरन्नुम में गाए ना, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है, गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है। मजा आया आपको हवाओं में? हाँ जी, बहुत मजा आया। हवाओं ने ये कहा। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए, 1:30 बज गया है, तो मैं बच्चों को ले आऊँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।